अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। मैं मानता हूं आपने वो तिलिस्म विकसित कर लिया है कि समस्याओं को एड्रेस किए बगैर भी चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं। जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे। इन एक जनप्रतिनिधि जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हुए हैं उनके लिए आर्थिक परिस्थिति पे जब हम बात करते हैं ना तो सर सबसे पहले गरीब की थाली नजर आती है। गरीब की आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ भी रख लो लेकिन अगर गरीब की थाली में ऊपर परिलक्षित नहीं हो रहा है तो फाइल भी किताबी है और गांव भी किताबी। मैं सिर्फ और हाँ बहुत बढ़िया कहा जावड़ेकर साहब ने कहा 80 करोड़ लोगों को, हालांकि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मुफ्त, मुफ्त कुछ नहीं होता सर। मैं कई बार सदन में बोल चुका हूं अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि आर्थिक परिस्थिति क्या है, कितनी समावेशी है वगैरह वगैरह। सर माननीय उपसभापति जी सुधांशु जी जब बोल रहे थे तालियां बज रही थी, सत्ता पक्ष बजती भी हैं। अब विजय साई रेड्डी जी को कष्ट हुआ तो उन्होंने कह भी दिया कि ताली क्यों नहीं बजा रहे हो। तो जब सुधांशु जी ताली बजा रहे के वक्तव्य पे ताली बज रही थी तो मुझे लगा कि गांव शहरों के बेरोजगार पर ये ताली कितनी भारी पड़ रही होगी। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था, 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। सर माननीय उपसभापति महोदय मैं कुछ चीजें आपके मध्य, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मानव विहीन और मानवीयता विहीन ग्रोथ स्टोरी के पक्ष में भजन गा रहे हैं, करतल ध्वनि कर रहे हैं। सर कोई भी वैसा ग्रोथ जो फेसलेस हो, जॉबलेस हो, उस ग्रोथ से देश की हकीकत नहीं बदलती है। सर बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे, अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च्ड, आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल। सर हम किन देशों से पीछे हो गए हैं पता है? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। ये है सर दस्तावेज, ये अनइक्वल। सर बीते दिनों बिहार में एक जातिगत सर्वेक्षण हुआ, मैं चाहूंगा तमाम हमारे भाजपा के मित्र उनको ना उससे मतलब ना हो, उसके प्रति विरोध हो, लेकिन एक बार उस दस्तावेज को पढ़िए क्योंकि उन आंकड़ों में नंबर के बाद आर्थिक सामाजिक परिवेश भी जाहिर हुआ है। और तब प्रधानमंत्री जी पुनः ले जाऊंगा 14 में बिहार गए थे, बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात वो करके आए थे हाजीपुर दरभंगा पटना। सर बिहार को आपकी जरूरत है माननीय सत्ता पक्ष, बिहार के पास रिवेन्यू के साधन कमतर हैं, बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट के नजरिए से मत देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए। क्योंकि अगर आप इस किताब का विश्लेषण करें, सरकार के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो आपको साफ दिखेगा कि बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देश के बाकी राज्यों से पिछड़ रहा है। उसके अलावा दूसरा पहलू कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय, इस किताब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को धृत किया गया है नॉर्थ साउथ डिवाइड के संदर्भ में भी। और ये पुरानी बात है सर, FDI को ही देखिए कि नॉर्थ में कितना साउथ में कितना, तो ये फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार को नए नजरिए से देखिए, जो शुरुआत वहां के मुख्यमंत्री नीतीश जी तेजस्वी जी ने की आप हैंड होल्डिंग करिए और स्पेशल स्टेटस दीजिए। दूसरी चीज सर, अगर मनरेगा में रूरल डिमांड बढ़ रहा है तो रूरल डिस्ट्रेस को एक्नॉलेज करिए, उसको एक्नॉलेज किए बगैर बात नहीं बनेगी, उसको डिनाल से अब कुछ हासिल नहीं कर पाए। पॉवर्टी इंडेक्स पर आपने भाई कई वर्षों से काम नहीं किया, आप आंकड़ों के बारे में तो सरकार का दृष्टिकोण है कि विश्व के टिम्बक्टू में अगर एक आंकड़ा पक्ष का कोई बोल दो तो उसको प्रदर्शनी लगा देंगे, अगर कोई आंकड़ा सरकार को असहज करता है कहेंगे हम तो इसको मानते ही नहीं है।
इनकी तो मेथडोलॉजी खराब है साहब, नहीं, ये डिफरेंशियल दृष्टिकोण मत रखिए। हंगर इंडेक्स पे खुल के कहिए हम मीट नहीं कर पाए हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का। आपको असल में लगता है कि आप इनकम इनइक्वालिटी की बात ना करें, पॉवर्टी रिडक्शन की बात ना करें, अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेसिंग की बात ना करें, चुनाव आप फिर भी जीत जा रहे हैं। मैं मानता हूं आपने वो तिलिस्म विकसित कर लिया है कि समस्याओं को एड्रेस किए बगैर भी चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं, लेकिन जिन बोतल से निकला ये जिन देश पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। वेल्थ टैक्स को लेकर के, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर मैंने कहा, वेल्थ टैक्स 16 में आपने अबॉलिश कर दिया। किसानों के बारे में सर मैं कहता हूं, आप कहते हैं शेयर बाजार उछल रहा है, बड़ी तारीफ होती है सर, शेयर बाजार उछले और एक किसान आत्महत्या कर ले, एक युवा बेरोजगार आत्महत्या कर ले, तो आप किस चीज को कहेंगे सर? और कुछ नहीं कहना चाहता, हाशिए के समूहों में पॉवर्टी की जो परिस्थिति है, आप बिहार का डेटा देखिए। आखिरी सर एक सुधांशु जी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बता गए, हमें तो लगा कि हम तो बेकार परेशानी है गरीबी से भुखमरी से। 30 सेकंड सर, तो मैं आपके माध्यम से अपने मित्रवर को कहता हूं, जब कश्ती साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे।